खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर सीरासार चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकार द्वारा सामानों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है और लोगों का घर बनाने का एक सपना होता है जिसमें सबसे ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सरकार ने अब सीमेंट पर 50 रुपए की वृद्धि की है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। वहीं इसको लेकर पूर्व विधायक का कहना है कि सीमेंट के रेट में 50 रुपए की वृद्धि हुई है। ये 9 महीना 8 महीना का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसमें जनता को सरेआम लूटा जा रहा है। आज जो मध्यम वर्गी गरीब वर्ग का जो सपना था मकान बनाने, आज सीमेंट की दरों में 50 रुपए की वृद्धि सीधा सीधा सरकार की मिली भगत से होती हुई दिख रही है। आज रेत के रेट डबल ट्रिपल हो गए हैं, सीमेंट लोहा का रेट बढ़ा दिया गया है, गिट्टी का रेट बढ़ा दिया गया है। एक तरफ तो सरकार आवाज देने का सपना दिखाती है, दूसरी तरीके से ये पूंजीपतियों से मिलकर इस तरीके से रेट वृद्धि करती है, जिससे आम आदमी बड़ा परेशान है। इसी तरीके से आज हम देखें छत्तीसगढ़ में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, 30 लाख मैट्रिक टन सीमेंट उत्पादन होता है, इस तरीके से 50 रुपया बढ़ा, मतलब ये विष्णु भोग सरकार के लिए इकट्ठा करने की बात है। इसी तरीके से आप देखो बिजली के बिल की बात करें, हमने आधा किया था हमारी कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल सरकार, आज दुगना बिल आ रहा है। इसी तरीके क्रूड ऑयल की हम बात करें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, कि जो 2014 में स्थिति जो कच्चे तेल का रेट था आधा था, उसके बावजूद आज डबल कीमत में 100 रुपया पार में डीजल पेट्रोल भेजा जा रहा है। बिजली बिल हमने हाफ किया था।